स्लिपवे ऑर्थो मैट्रेस लेकर आए हैं बेहतरीन क्वालिटी के मैट्रेसेस जो है कंफर्टेबल और ड्यूरेबल। 10 साल से हम मैट्रेस बनाते आ रहे हैं और हमारे पास होलसेल प्राइस में हर किस्म के ऑर्थो मैट्रेस अवेलेबल है। हमारा एड्रेस है कृष्णा रेड्डी फंक्शन हॉल, दुर्गा नगर, चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। ये आज हम लेक्यू बल्लागुड़े से उसको बात कर रहे हैं, गौस नगर। यहाँ पे लैंड ग्रैबर्स की हद इतनी हो गई है कि परसों जो सो 20 तारीख को एक पार्टी लैंड ग्रैबर्स की ज़मीन जो सो क्यों बनाए बोल के MRO वाले आए और मंडल वाले आके उनको जो सो काम रोके और उनका काम डिमोलिश करने गए, तो जो सो ये लोग मिल के गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारे। अब ये वक्त ऐसा हो गया, पुलिस को हम इतने दिन से कंप्लेंट्स देते जा रहे हैं और पुलिस उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही, कोई जो सो उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। तो अब ये लैंड ग्रैबर्स की ऐसी हिम्मत बढ़ गई, इधर परसों रेप हुआ था, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मारे। कोई साइमन और कोई अश्विन बोल के नाम है, ये लोगों के गाड़ियों को भी उसको नुकसान पहुँचाए। बोलने का मतलब ये है कि ये मेरी ज़मीन है, आज जून से उसको ये लोग यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं और इस तरीके से लोगों को जो सो ज़मीना बेच देने की बात भी हो रही। हम FIR भी कराए हुए हैं, देखिए 17/2024 की बोल के FIR 20 तारीख को जो सो 17/2024 कराए हुए है, तहसीलदार ये लोग ये FIR कराई है, उसकी कॉपी है। अब ये जगजीवन रेड्डी ये एक नंबर का चोर है, इसके पास जो सो कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं, चुप तो भी फेक रजिस्ट्री बना लेके आया, उसको हम ऑलरेडी कोर्ट में कंटेस्ट कर रहे हैं। और उसके साथ में ये दूसरे जो लोग आ गए हैं यहाँ पे, ये आके हद से ज़्यादा जुल्म कर दे रहे हैं। हमारी एक ही गुजारिश है कि सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और ये चोरों को और ये लैंड ग्रैबर्स को यहाँ से हटाइए, जगजीवन रेड्डी को जो सो अरेस्ट करो। क्यों बोले तो ये आदमी सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान कर रहा है, यहाँ पे हर किसी के बाउंड्री के ऊपर। यहाँ पे कितने फैमिलीज परेशान हो रहे हैं? तकरीबन 200 से 300 आदमी जो सो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, रातों में आके दीवारों पे लिख दे रहे थे, रातों में दीवार पे लिख दे रहे हैं, खुफला तोड़ के अंदर घुस जा रहे हैं, सामान है तो चोरी कर ले रहे हैं। अभी एक बाजू की जो सो जमीन के ऊपर जो सो लिख के लगा दिए, जिधर समझ में आया वहाँ पे लिख दे रहे हैं। पुलिस वालों को बोले तो सिविल एक्शन बोल रहे हैं, सिविल नहीं भाई, हमारे को जो सो क्रिमिनल एक्शन है यहाँ पे, उसके ऊपर एक्टिविटी जो सो उसके ऊपर रिएक्शन होना। आम आदमी यहाँ पे सेफ नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है, हमारे को हमारी जान का खतरा है। बोल नहीं सकते कि जो सो ये लोग अब जब पुलिस वाले से नहीं डर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं, हम सिविलियंस किस तरीके से सेफ महसूस करेंगे अपने आप को? तो आप पुलिस करेंगे तो पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस सिविल नेचर बोल दे के बात क्लोज कर दे रही, गुंडागर्दी को पुलिस सिविल नेचर बता रही। सिविल नेचर सिविल मैटर कोर्ट में डिसाइड होता, खुफला तोड़ना कहाँ से सिविल नेचर हो गया? लोगों के जमीन के, मैं FIR कराया था, मेरा जो सो FIR के ऊपर इन लोगों को रिमांड हुआ, जेल भेजे, सब हुआ, मगर फिर जो सो ये लोग वही कामों में लगे हुए हैं। शुक्रिया।